ये तीसरी शॉप है जहाँ पे छोटी गई है देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं, वापस आ रही है। इसको कुछ लेना भी है कि नहीं लेना आएगा? गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे का दिन, घड़ी में लगभग बज रहे हैं 11:30 एंड मैं निकल रहा हूँ बाहर क्योंकि आज हमारे सोसाइटी की मीटिंग है। चलो आ रहा मैं। है चलिए, हमारी मीटिंग का काम तो हो गया है, अब एक काम करते हैं, चलते हैं सीधा वाशी में। तो यहाँ से वाशी लगभग कितना है यार, पता नहीं कितना है। ठीक है चलो ना, क्या करने का, जितना भी हो हमें क्या जाना तो है। राइट चलते हैं वाशी। पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, वाशी कल ही चलते हैं क्योंकि वो ऑफिस से जो है ना नज़दीक भी रहेगा एंड ऑफिस से जल्दी निकल के मैं थोड़ा सा वाशी की तरफ निकल जाऊंगा। अभी वापस वहाँ पे जाना फिर आना वो थोड़ा सा सेंस नहीं बनेगा। ऑफिस के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट की दूरी पर ही है वहाँ से ड्राइव करके, तो दैट वुड बी आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी काम करते हैं, सीधा घर पर चलते हैं एंड घर पर थोड़ा सा खाना पीना खाते हैं। बिकॉज मैं नाश्ता भी जो है ना बस ऐसे फटफट 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 कर लिया था बिकॉज मीटिंग थी तो जल्दी आना था। बाकी सब लोग आ गए थे आज, जल्दी आ गए थे, वो एक अच्छी चीज़ है कि सब लोग जल्दी आ गए। काफ़ी कुछ डिसीजन हुए, काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ बिल्डिंग को लेकर। फाइनली मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, वर्बल मैंने दिया है, अपना लिखित मैं उन्हें दूंगा एंड सभी लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ उस बिल्डिंग में एंड मेरे को काफ़ी कुछ काम होता है जो जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ती है बट मैं यहाँ पर रह नहीं पाता। इट्स बेटर दैट कि कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, वो लोग ये थोड़ी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें तो ज़्यादा बेहतर होगा इंस्टेड ऑफ मी यू नो नॉट लिविंग हियर एंड चीज़ें देखें संभाले। तो दैट डजंट मेक सेंस एटलीस्ट टू मी। तो जी मॉल में हम आ गए हैं, मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ है। I-33 के यहाँ पर हमने जो है पार्किंग की है, इस तरफ कुछ पार्किंग की है साइड में। बाद में मैं आपको बता दूं दैट कि हम कुछ डोनेशन के लिए कुछ लेकर आए हैं। ये पापा के हाथ में हम बैग देख रहे हैं, इसमें बेसिकली पुराने कुछ हमारे कपड़े हैं जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं एंड ठंडी के सारे कपड़े हैं, तो मे भी शायद वहाँ पे हम रखेंगे एंड मे बी इफ समबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन पिक अप। यहाँ पर रहेगा तो जो हमने कपड़े डाल दिए हैं एंड ये रही थैली। मैंने उस समय शूट नहीं किया ना, ऐसा अच्छा सा नहीं लगता है कि भाई कपड़े दान करते वक्त शूट कर रहे हैं। तो खैर हमें ये सब कर लिया है, अब जाएंगे मॉल में थोड़ा सा टाइम पास करेंगे एंड फिर उसके बाद प्रॉबेबली विल गो होम। नथिंग मच टू वर्क हियर, शायद आपने लैपटॉप वगैरह एक दो देख लेंगे, अगर मिलता है अच्छी डील तो ले लेंगे, नहीं तो जय माता दी। एनीवेज आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी वीकेंड है ना जोर का, कुछ होगा भी पता नहीं, क्या पता है। लाइफ स्टाइल अप टू 50% क्या करें, लेकिन नहीं ले सकता, महीना का आखिरी आखिरी महीना जो है वो चल रहा है तो इस वजह से ज़्यादा शॉपिंग नहीं मिल रहा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या बताऊँ, इतना अमाउंट में नहीं बता सकता वरना आप लोग थोड़ा क्या हंसोगे यार। एनी वेज सिंगल ओरिजन दूध वगैरह सब मॉल पर मिलता है, यहाँ पर टेंशन नहीं, दूध बिस्किट सब मिलती है यहाँ पर। 2 मिनट के ऐसा लगा था कि मेरी गाड़ी की चाबी घूम गई, माय गॉड। एनी वेज शॉपर स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, लेट्स सी क्या लेना है। यहाँ से मिल जाएगी क्या, यहाँ से मिल जाएगी वही तुझे जो चाहिए सैंडल, तो क्यों टाइम पास कर रही, फटाफट सैंडल लेन चलना। अरे यार क्या लोग हैं, यहाँ पे हमें नींद आ रही है कि ये टाइम पास करा रही है हमसे। तो आई केम आउट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाता हूँ, बाकी क्या यार, बाकी और कुछ नहीं है। एकदम ना लाउजी लाउजी फील हो रहा है, पता नहीं यहाँ पे एप्पल है कि नहीं। ओए तेरी उस तरफ है, क्रिसमस डेकोरेशन इज ऑन गाइस। ये तीसरी शॉप है जहाँ पे छोटी गई है देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं, वापस आ रही है। इसको कुछ लेना भी है कि नहीं लेना आएगा? हम लोग 34 फ्लोर में आए हैं और हम आए हैं बाटा में। अब देखते हैं दैट कि बाटा में यहाँ से कुछ लिया जाता है या नहीं लिया जाता। वैसे यहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है तो हम 34 शॉप से भी निकल लिए हैं बाहर बिना कुछ खर्चा
किए हुए बिना कुछ बाय किए हुए हम लोग निकल लिए हैं, और अब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ भी नहीं हो सकता। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं पता नहीं कौन सी शॉप में, पांचवी शॉप में मेरे ख्याल से, इंक में। अब देखेंगे यहाँ से कुछ लिया जाता है या नहीं लिया जाता, आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। तो फाइनली ज्योति कुछ ले रही है यहाँ पर, तो फाइनली ज्योति ने कुछ ले लिया है एंड पांचवी शॉप में उसने लिया है। बिलिंग यहाँ पे चल रही है, बिलिंग यहाँ पे मैडम की चल रही है। चलो ले तो लिया है उसने कुछ। तो अब हम जा रहे हैं क्रोमा में फ्रिज देखने के लिए, काफ़ी दिन से फ्रिज 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 हो रहा है, तो फ्रिज मेरे ख्याल से आज ले लेंगे। दोस्तों अपनी शॉपिंग हो गई है एंड अब हम आए हैं शिव सागर में खाना खाने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे एंड फिर उसके बाद घर पे जाएंगे। मैंने क्या मंगाया है, सबने क्या मंगाया है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ज़्यादा बोल नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर बाजू में जो है ना एक इवेंट चल रहा है, तो ज़्यादा आवाज है। तो जी अपना नाश्ता पानी हो गया है, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। घड़ी में 8 बज रहे हैं, 3:30 बजे निकले थे, 8 बज रहे हैं, आज भी आराम नहीं मिला। हम घर पे जाके देखते हैं कि क्या करेंगे। तो जी घड़ी में लगभग बज रहे हैं 10:00 एंड हम जो हैं घर पर आ गए हैं। बस मैं तब से थोड़ा सा बस लेटा हुआ ही था एंड विचार ही कर रहा था कि क्या करूँ। ये भगवान इतने धर्म संकट में होना, एक्चुअली है पैसे लेकिन लेकिन अगर वो सारे उसमें डाल दिए ना, मतलब लैपटॉप में या फिर पीसी में, तो फिर यार सेविंग नहीं रहेगी मेरे पास। बस वो चीज़ है, मैं वही सोच रहा हूँ। हाँ चलो देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़।